हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चंस करने वाले, कल हम लोग एक्सरसाइज 1A का कर लिए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो 1B में जो है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों 1B में, कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चंस में ये था बच्चों कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट विदाउट एक्चुअल डिवीजन which of the following rational number are terminating decimal। यानी कि देखो बच्चों, क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है, बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए हमें बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है बिना डिवाइड किए हुए। तब हम आपको कंडीशन बताए थे बच्चों की कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कब होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे थे कि पी अपन क्यू एक रेशनल नंबर है, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो है स्टूडेंट्स कब होगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कब होता था, when the factors of Q is either 2 and 5 or both। यानी कि हम बताए थे बच्चों की कोई भी नंबर है रेशनल नंबर, जैसे पी अपन क्यू, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में मुझसे लिख रखे है, और उसे हमें बताना है कि वो टर्मिनेट होगा यानी कि कट जाएगा। तो कभी कटेगा जब उसका जो फ्रैक्शन यानी कि जो डेनोमिनेटर होगा ना, वो तो उसका फैक्टर जो है आइदर या तो 2 होगा या तो 5 होगा या फिर दोनों होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको हम बता रखे, आप जब कोई एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वहां पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से कराए स्टूडेंट्स। तो अगर जो बच्चे न्यू है और अगर जो नहीं देखे तो प्लीज वो जाके देख ले, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्यूशंस करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट जो है हम पहले करा रहे थे जब एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करा रहे थे तब। ओके बच्चों, तो यहां से अब इसी तरह से देखना, यानी कि हमें ये पता चला बच्चों की जो भी नंबर जिसका डेनोमिनेटर या तो टू, और डेनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होगा, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे हेयर बी राइट, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे बच्चों 13 अपॉन 80 था। और देखो बच्चों 80 का जो फैक्टर था, देखो आई होप कि यहां से आप लोग 80 का फैक्टर निकालोगे बच्चों, तो क्या आएगा 40, फिर 2 से जा रहा था ये 20 पे, फिर 2 से जा रहा था बच्चों ये 10 पे, अगेन ये 2 से जा रहा था 5 पे। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर m। तो इसका जो फैक्टर था बच्चों क्या आ रहा था, ओनली 2 एंड 5 आ रहा था, 2 और 5 दोनों आ रहा था। तो हम बताया था या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। दैट्स वाई इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट्स वाई इट इज क्या जाएगा, ये क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आई होप कि देखो आपको ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकता है डेसिमल से, इस तरह से दिया हुआ कि आप पूछेगा कि बताइए टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप उतना डिवाइड करके नहीं देखे होंगे स्टूडेंट्स की ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। क्वेश्चंस में मैं यही बताना था। एक क्वेश्चन हम आपको सोल्व भी करके बता देते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है तो कितने के बात कर। देखो और हम बताए थे कि जैसे था 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 1, इसके फॉर्म में था, तो हम एनसीईआरटी जब क्वेश्चंस करा रहे थे स्टूडेंट्स, उसमें हम बताए भी थे कि जितना ये टर्मिनेट भी, अगर जो क्वेश्चन 10th क्लास में एक्चुअली ये आता है कि अगर ये पूछ दिया कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, एमसीईए बोर्ड का पेपर में हमेशा आ जाता कि ये 2 पे पावर 4 है, 5 पे 13 अपॉन 80 है, 80 का फैक्टर था 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1, तो ये कितने डिजिट के बाद अगर जो टर्मिनेट करेगा, आपको ऐसे आंसर में तो यही लिख के छोड़ देना, एलसीएम देखे हो गए, अगर देखना 2 और 5 ही कट रहा तो टर्मिनेटिंग लिख के छोड़ देंगे। बट थोड़ा हम एक्स्ट्रा जो करा रहे हैं बच्चों वो था, हम बोले कि अभी है ना जितना हाईएस्ट पावर होता है उतना डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है क्या होगा 80 अपॉन 13 हम यहाँ पे लिखे, यानी कि 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। अब हम देखेंगे 4 डिजिट के बाद, देखो ये टर्मिनेट कर रहा है नहीं, तो देखो पहले मैं 0 से लगा है 130 यहाँ पे लिए बच्चों, तो ये कितने पे जा रहा था बच्चों 1 पे जा रहा था, और 8 पे जा रहा था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 5 0 तो 8 6 जा 48 4 120,
और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 200, तो 200 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या आ जाएगा 8 2 16, ओके बच्चों। और यहाँ से 400 8 5 40, देखो ये टर्मिनेटिंग था, वो भी पूरे चार डिजिट के बाद ये कट रहा था। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि ये अगर क्वेश्चन में आता है एक्चुअल डिवाइड करके बताना, तो आप इस तरीके से करोगे डिवाइड करके, और विदाउट एक्चुअल डिवीजन करके बताना कि बिना डिवाइड किए हुए आपसे पूछा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या होगा बच्चों, आप लोग इस तरह से देख लोगे कि डेनोमिनेटर का फैक्टर क्या आ रहा था। Here we see that student, next जो है 7/24, यहाँ पे हम देख रहे थे बच्चों जो 24 का हम लोग जब LCM ले रहे थे बच्चों, तो यहाँ से देख रहे थे ये 2 पे कट रहा था, 12 पे 2 से जा रहा था 6 पे, फिर 2 से जा रहा था 3 पे, तो यहाँ पे क्या था बच्चों 2 से तो कट रहा था, बस इसका फैक्टर जो था 3 भी आ गया, ये जो था 3 से भी कट रहा, ये जो स्टूडेंट क्या था ये 3 से भी कट रहा, दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसीलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा बड़ा स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बताना चाह रहे थे, किस तरह से हम लोग आप लोग जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फाइंड आउट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे थे बच्चों थर्ड में था 5/12, तो 5/12 जो है बच्चों ये भी क्या था, 5/12 का भी फैक्टर क्या आ रहा है, 5/12 का भी फैक्टर आ रहा है बच्चों, क्या होगा 12 का भी फैक्टर आ रहा था, देखो 2 × 2 × 3 यही आ रहा है ना, 2 × 2 = 4, 3 × 12, इसमें भी 3 फैक्टर आ रहा था, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो है बच्चों ये भी क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर 3 आ रहा था। हम बताए थे किसी भी डेनोमिनेटर का फैक्टर जो है बच्चों, किसी भी डेनोमिनेटर का जो फैक्टर है स्टूडेंट्स ओनली क्या आना चाहिए, ओनली 2 और 5 आना चाहिए, देन वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फोर्थ में था देखो बच्चों 31/375। ओके स्टूडेंट्स, हियर एट फर्स्ट हम लोग देखे कि बच्चों 375 का एलसीएम क्या आ रहा था, 375 का एलसीएम जो था बच्चों, देखो हम लोग चेक किए कि 375 का जो एलसीएम था स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा है। तो देखो पहले हम यहां से देखे कि 7 7 3 10, देखो ये 3 से भी कट रहा है बच्चों, ये एट फर्स्ट यहाँ पे हम लोग जैसे देखे कि ये 3 से कट रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 से भी कट रहा था, देखो 3 1 3 और 3 2 6 और उसके बाद 1 बच गया, 3 5 15, तो 3 से कटा था, अब ये 5 5 का फैक्टर होगा, 5 पे पावर 4 होगा 125, सॉरी 5 पे पावर 3, बट ये 3 से कट रहा है ना स्टूडेंट, दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम ओनली बार बार बता रहे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन है स्टूडेंट्स, कंडीशंस जो है वो होना चाहिए कि उसका फैक्टर ओनली 2 और 5 है, उसका जो फैक्टर होगा बच्चों ओनली 2 और 5 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/125। अभी हम बताए बच्चों की 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब 5 × 5, आप 125 का एलसीएम निकालोगे बच्चों तो क्या होगा 5 × 5 × 5, इसका फैक्टर जो स्टूडेंट्स ओनली 5 आ रहा था, तो दैट्स व्हाई इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट्स व्हाई इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप कि देखो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। और ये होता क्या है, ये तो हम पहले बता रहे थे कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आई होप कि आप लोग जो वो क्वेश्चन हम लोग जो प्रीवियस वीडियो का जो हम कर रहे थे वहां पे आप लोग अच्छे से और समझ सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था बच्चों आप समझ में आ गया होगा। आप जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो था देखो बच्चों किस तरीके से करना था हमें, ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो था स्टूडेंट्स उसमें मैं ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बच्चों कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैव। अब इसे हमें सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना था और साथ साथ ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है मैं ये भी बताना था। देखो हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे, क्वेश्चन हम बोल देते क्या था कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, हर एक को डेसिमल फॉर्म में लिखना एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैड, और ये किस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन है हमें ये बताना था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था कि ये डेसिमल एक्सपेंशन पहले किसे डेसिमल फॉर्म में लिखना और किस तरह से डेसिमल फॉर्म होगा हमें ये बताना था। देखो बच्चों 5/8 था, 8 देखो 2 पे पावर क्यूब होता है, 2 पे पावर क्यूब होता है, तो हमें पहले पता चल गया स्टूडेंट्स कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बट विषय में डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है, तो आई होप कैसे आप लोग करोगे
8 को 5 से डिवाइड करेंगे। हम तो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे बच्चों, 8.0 यहाँ पे देखो 8.0625 ये आता, ठीक है बच्चों। बट आपको हम डिवाइड करके दिखा रहे कि किस तरीके से, यहाँ पहले यहाँ पे हम जीरो लिए बच्चों, यहाँ पे 5 तो 8.6 = 48, फिर यहाँ से बच्चों 2 बचा तो 8.2 = पहले देखो हम लोग यहाँ पे 6 से लिए थे फिर 2 पे तो 8.2 = 16, फिर यहाँ पे 4 बचा स्टूडेंट 8.5 = 40। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो डायरेक्ट में देखो हम अभी बताते हैं इसका फैक्टर, ऐसे भी 2 ही था, 2 पे पावर 3, तो 3 डिजिट के बाद कटेगा, हम ये भी बताए थे। तो ये भी हम बताए थे बच्चों कि ये जो है क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप कि देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा था आप लोग को पता चल गया होगा, पूछ रहा था ये कि पहले से डेसिमल एक्सपेंशन में करना है और साथ साथ कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है आपको ये लिख के भी बताना था। नेक्स्ट जो था बच्चों वो है 7/25। देखो ये 5 का स्क्वायर होता है बच्चों, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, तो ये क्या जाएगा, 5 का स्क्वायर जब होता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब इसे हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो डेसिमल फॉर्म में देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आप क्या करोगे यहाँ पे, तो हमें तो याद है शॉर्ट ट्रिक से 0.28 होगा, 0.28 होगा, बट आप कैसे तो आप लोग वही लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करोगे, ठीक है। पहले 0 पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे 25 50, और यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 200। देखो यहाँ पे पहले 2 से लगाया, फिर 25 = 200। ओके स्टूडेंट, देखो हम लोग ये बाद में जब भी पढ़ेंगे ना, अभी जब बाद में भी आपको हम कराएंगे, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे हम कैसे लिखे थे, ठीक है। आप अभी पहले ये समझो कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो आप लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन का था ना, वो भी साथ साथ वेरीफाई हो रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, आप पहले क्योंकि 25 का फैक्टर बोले ये किसका था 5 × 5, दैट्स व्हाई इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था बच्चों, थर्ड जो है 3/11, क्या था बच्चों 3/11। देखो ये 11 है, ये 11 है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स होता था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो एट फर्स्ट हम तो देखेंगे कि 11 को 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये पहले 0 से गया, फिर यहाँ पे 30, फिर देखिए कितने से आता है 11 × 2 = 22, फिर यहाँ पे 80, यहाँ पे हम लोग फिर से 80 लिए बच्चों, फिर कितने से जाएगा 11 × 7 = 77, अगेन यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों 30, फिर हम यहाँ से 2 से लगाएंगे तो वही 22 आएगा, और फिर यहाँ पे 80 आ जाएगा, फिर 7, यानी कि 2727 बार बार रिपीट करते रहेगा। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं बच्चों, 0.27 पे बार, हम बताते हैं कि जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, तो हो गया। अब जब ये क्या था बच्चों, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ही, और रिपीट कर रहे नहीं, तो रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख देंगे, अब जो रिपीट नहीं कर रहा होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से करना था। तो ये जो हमारा था बच्चों, ये जो है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसी को हम लोग दूसरा नाम देते थे बच्चों, तो क्या होता था, रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, इसी को हम बोलते थे अदर नेम में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस को करना था। नेक्स्ट जो था बच्चों, 5/13, देखो इसका 13 है, ये 2 और 5 किसी का भी फैक्टर नहीं होता, तो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा होगा हमें ये चेक करेंगे। पहले हम 0 से लगाया स्टूडेंट, तो 13.0 यहाँ पे आया, यहाँ पे 0 तो 13 × 4 = 52 ज्यादा आ रहा है, तो 13 × 2 = 26 से लगाया बच्चे, यहाँ पे देखो सॉरी 13 × 3 = 39 से हम लोग लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो 10 में से 0 जाएगा बच्चों, 10 में से 0 जाएगा 1, और 4 में से 3 जाएगा 110। आफ्टर देन हम लोग जाता है बच्चों, देखो उसके बाद 13 × 7 = 91 होता है, ठीक है बच्चों, 13 × 8 = 104, तो 10 में से 4 जाएगा बच्चों, तो 6 यहाँ पे क्या आ गया, कट गया। ओके बच्चों, फिर 60 आ गया, फिर 13 × 5 = 65 ज्यादा आता, तो 13 × 4 = 52। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे हम लोग देखे 8 लिए, यहाँ से देखो कट गया, फिर देखे हम 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 13 × 6 = 18, 78, 13 × 6 = 78। हम यहाँ से देखो देख रहे थे बच्चों, बार बार अलग अलग नंबर आते जाएगा, ये ना तो कटेगा, बार बार अलग नंबर भी आते जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर आप 1 से लगाए, फिर 70 आएगा, फिर हम 5 से लगाते, फिर 5 बच्चा, फिर हम उसे 5 बच जाता, फिर उसे हम लोग अगेन 3 से लगाते। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरह से देखेंगे, इस तरह देखो यहाँ पे आप 20 आया, आप लोग मान लो और आगे हम थोड़ा बता देते हैं, देखो तो यहाँ पे आप 20 आया था, फिर यहाँ आप 1 से लगाते तो क्या जाता 13, फिर यहाँ पे 70 आया, फिर यहाँ आप लोग 5 से लगाते, फिर यहाँ से क्या जाता बच्चों
50, यहाँ से देखो 50 आया, फिर यहाँ से 50 आया, तो फिर हम लोग 3 से लगाएंगे। यहाँ से हमारा देखो स्टूडेंट्स रिपीट करते रहेगा, यहाँ से हमारा, यहाँ से स्टेप हमारा रिपीट करते रहेगा। तो ये जो नंबर है ना बच्चों, ये 3261 के बाद ये 53 अगेन रिपीट करते रहेगा। तो हमारा इसी तरह से हम बोल सकते हैं बच्चों, इसी तरह से हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स का 3868461, क्या बोलेंगे बच्चों 3861, और ये 5 के बाद रिपीट कर रहा था, सॉरी 5 के बाद 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3846 15, क्या आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां से बार बार ये नंबर रिपीट करते रहा ना आप, अभी हम आपको करके दिखाए थे। तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी यहाँ पे हम नॉन रिपीटिंग ही दिए, देखो बच्चों रिपीटिंग डेसिमल होगा क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, हम देखो समझा रहे थे कुछ और थोड़ा लिखा गया, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से करना था। तो ये था देखो हमारा बच्चों फोर्थ, इसमें और बहुत सारा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और हम करते हैं ठीक है बच्चों, कि आप लोग इस तरह से करोगे, बाकी जो था बच्चों कुछ आप प्रैक्टिस भी करोगे इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग देख रहे थे बच्चों आगे जो था 11/5 में जो था बच्चों, 5th में था 11/24, क्या था स्टूडेंट्स 11/24 का देखो, देख रहे थे बच्चों क्या आता, 2 × 2 × 2, ये 3 भी आ रहा था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद हम चेक भी कर रहे थे कि कितने के बाद ये नॉन टर्मिनेट करेगा, तो पहले 0 यहां से लिए बच्चों, 0 तो यहाँ पे 11 110 आ गया, 110 आ गया बच्चों। तो यहाँ से हम लोग देखो क्या लेंगे, यहाँ से कितने से जाएगा बच्चों, यहाँ से 4 से जा रहा था, कितने से जा रहा था स्टूडेंट्स 4 से, तो 24 4 = 96, यहाँ से 10 में से 6 जाएगा बच्चों 4, और यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा 1, तो 140 140, यहाँ से हम लोग चेक करते हैं बच्चों 24 6 ज्यादा हो रहा था, 144 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हम लोग 5 से लगाएंगे, तो 24 5 = 120 यहाँ पे 200 आ गया बच्चों, यहाँ पे 200 आ गया, तो हम लोग 8 से लेंगे बच्चों, तो यहाँ से क्या जाएगा 8 से हम लोग लिए, तो 8 से लेंगे तो क्या होगा 8 4 = 32 और 8 2 = 60 192। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे कट गया, तो 80 और 24 2 = 72। ओके बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा 880, ये अब क्या होगा बच्चों 4 5 8 के बाद जो है ना बच्चों 4 5 8 के बाद 24 4 3 = 72, सॉरी फिर ये 3 3 रिपीट करते रहेगा, देखो यहाँ पे 72 लोगे फिर 80 आएगा, तो ये रिपीट करते रहेगा। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, 0.4583 पे बार, वॉल्यूम 3 पे बार लगाएंगे, क्यों बच्चों 3 पे बार इसलिए लगा क्योंकि जो 3 था वही बार बार रिपीट कर रहा था, जो 3 था स्टूडेंट्स वही हमेशा रिपीट कर रहा था, तो यह भी क्या आ जाएगा बच्चों, ये भी क्या जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, 4 5 8 3 पे बार था, 4 5 8 3 पे बार, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, रिपीटिंग डेसिमल, इसी का दूसरा नाम क्या था बच्चों, रिकरिंग डेसिमल, आप लोग ये भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे 6 में देखो, 6 क्वेश्चन तो आप लोग आसान से कर लोगे स्टूडेंट, 6 में जो था बच्चों क्या था 261 अपॉन 400। अभी हम देख रहे थे बच्चों 400 जो था बच्चों क्या था, 400 जो था स्टूडेंट्स, जो 400 था वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, क्यों, क्योंकि ये 2 और 5 का फैक्टर होता था, हम 200 का भी निकाल के देखे थे ना, तो इसी तरह से 400 का होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और वो भी कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, अगर जो इसे हम देखो बच्चों इसे हम लिखेंगे तो क्या जाए बच्चों, यहां से ये 5 6 = 30। ओके स्टूडेंट्स, 5 6 = 30 और 5 6 = 30 यार 5 2 = 10 30। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये अकॉर्डिंग टू मी 0.1305, ठीक है, आप लोग चाहते इसे कैलकुलेशन भी इस तरह से कर सकते हो, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बाकी आप इसे 400 को 261 से डिवाइड करना बच्चों, 261 से डिवाइड करना, देखो पहले तो 0 था, ये 0 था, तो यहाँ पे हम लोग अब 0 लगाएंगे, और 4 5 = 24 6 = 24, तो 6 से जाएगा 2400, आफ्टर दिन देखो बच्चों क्या होगा 210, फिर देखे 4 5 = 20 पे जा रहा था स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, यहाँ से 1000, यहाँ से हम लोग देखे कि बच्चों 4 2 = 800 था, 800 फिर ये
20,000 फेरियड कहा था बच्चों, सर यहाँ पे 1 था, 4 1 जा 4, उसके बाद 4 2 जा 8, हाँ 4 4 जा 16 से जा रहा है ये बच्चों, फिर क्या जाएगा 4,000 तब 5 पे, तो 1 2 3 पे, तो ये हो जाएगा 0.65245, ठीक है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या जाएगा स्टूडेंट्स, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना था और किस तरह से हमें क्वेश्चंस आ सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से हम बताए थे और क्या करना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया बच्चों 231/625, तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों की 625 जो है 5 पे पावर 4 होता है, 5 पे पावर 4 625, यानी कि 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसे 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। 6 4 जा 24 ज्यादा आता है बच्चों, 3 से हम लोग लेंगे, 3 से हम लोग देखो लिए तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 और 6 3 जा 18। ओके स्टूडेंट्स, 0 में से 5 जाएगा 5 एंड यहाँ 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 और 12 में से 8 जाएगा 4, कट गया बच्चों। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 6 7 जा 42 और 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14 और 17 आ रहा था यहाँ पे, और ज्यादा हो रहा है बच्चों, हम लोग 7 से नहीं 6 से लेते हैं, ठीक है, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 30 और आफ्टर देन देखो बच्चों ये 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12 15 एंड आफ्टर देन जो था बच्चों कैरी बच गया 1 6 6 जा 36 और 37। ओके स्टूडेंट्स, 0 0 13 में से जाएगा क्या होगा बच्चों 600 और ये 6000। आफ्टर देन हम लोग यहाँ से देख रहे थे बच्चों कितने से जाएगा, आई होप कि देखो 9 2 जा 18, 9 से हम लोग चेक करते हैं बच्चों, 9 से हम लोग चेक करेंगे, 9 6 जा 54 या तो 9 से चेक करते थे, 9 5 जा 45 9 2 जा 18 22 एंड कैरी बचेगा 2, 9 6 जा 54 56। ओके स्टूडेंट्स, तो 10 में से 5 जाएगा 5 एंड 9 में से 2 जाएगा 7 और आफ्टर दे 9 में से 6 जाएगा 3 और यहाँ पे क्या बच गया कैंसिल, यहाँ पे 0 3 7 5 0 3 7 5 0 हम चेक कर रहे थे बच्चों की कितने से जाएगा, देखो 6 6 जा 36 से पूरे कट रहा था बच्चों, 6 6 जा 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12 6 2 जा 12 और 15 6 6 जा 36 37। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ जाएगा, इसे हम लिखेंगे 0.3696, तो दैट्स व्हाई ये क्या आ जाएगा बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आई होप के स्टूडेंट्स व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और डिवाइड भी करके आप लोग किस तरीके से करोगे आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो किस तरीके से हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो बच्चों, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो मिक्स फ्रैक्शन में जब दिया हुआ है ना तो उसे देखो हम किस तरह से करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में था स्टूडेंट्स 2 होल 5 अपॉन 12। ओके स्टूडेंट्स, जब 2 होल 5 अपॉन 12 है स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग देखो किस तरीके से करेंगे 2 होल 5 अपॉन 12 को। पहले देखो ये 2 है ना स्टूडेंट्स, तो 2 डेसिमल में ही आएगा, 12 को 5 से आप लोग करो, 12 को 5 से हम लोग करेंगे तो क्या जाएगा स्टूडेंट्स, देखो ये अगेन वही हो जाएगा, अगेन वही नंबर आएगा, क्या अगेन हमारा ये 12 का क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप चेक कर लेते हैं 12 को 5 से हम लोग डिवाइड करके तो 0, फिर क्या है बच्चों 12 4 जा 48 20 लिए बच्चों, यहाँ पे 12 बन जा 12 और यहाँ से क्या जाए बच्चों 80 12 6 जा 72 और यहाँ से बार बार 8, तो 6 6 रिपीट करते रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों 4 1 6 पे बार। ओके स्टूडेंट्स, 4 1 फिर 6 पे बार, क्योंकि बार बार यहाँ से देखो ये 72 लगाओगे 6 6 रिपीट करते रहेगा ना, ये 6 6 तो 4 1 6 ये क्या आ जाएगा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आई होप के स्टूडेंट्स देखो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको जो क्वेश्चन था इसे करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो ये जो क्वेश्चन था आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आ गया होगा। अब इसका कुछ और पार्ट्स जो है बच्चों हम लोग अब सिंपली ये जो हमारा है ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि जो रिकरिंग डेसिमल होता है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, आई होप कि देखो आप जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे कवर करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है।
ये अयोध्या को आपको बता देते कि किस तरीके से करना था ताकि आप लोग समझ, जैसे हम बताए थे कि 0.3 पे बार, तो आप लोग इसे किस तरीके से करोगे, तो हम पहले बताए थे स्टूडेंट्स कि x का वैल्यू 0.3 पे बार, एक पे बार है, इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3 पे बार, और यहाँ से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो 9x = क्या आ जाता है 3, और x की वैल्यू 3/9 तो 1/3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप कि जो आज का सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यूजफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आएगा। अगर जो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को जो बच्चे हम अभी तक न्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपके लिए जो वीडियो था कितना यूजफुल था। सो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जब तक आप लोग घर पर सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से हमारे साथ जुड़ के पढ़े। थैंक यू सो मच।